हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी। मेरे यूट्यूब चैनल सोनी फूड स्टाइल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग रेसिपी, इंस्टेंट घेवर। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही जल्द बनकर ये तैयार हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इसको हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आप बस देखते जाइए और ये झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। और ये नॉर्थ इंडिया की स्पेशल मिठाई है, नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, आप देखते जाइए कैसे बनता है। इंस्टेंट घेवर बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, 3 से 4 मैंने यहाँ आइस क्यूब लिए हैं और 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ देसी घी लिया है और 1 लीटर के करीब मैंने यहाँ पानी लिया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक मिक्सी जार लिया है, उसमें हम घी को डाल लेंगे। घी यहाँ हमें पिघला हुआ बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपके पास पिघला हुआ घी है तो उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिए, वो थोड़ा सा जम जाएगा, वही हमें लेना है। और अब हम इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे, 2 से 3 ही हमने यहाँ बर्फ़ के टुकड़े डालने हैं। और इसका मिक्सी को चलाकर 1 से 2 मिनट के लिए चलाकर इसका एक स्मूथ सा हम पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल ठंडा पानी हमें डालना है, नॉर्मल पानी हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ठंडा पानी यूज़ करना है। और 1 से 2 मिनट के लिए हम फिर से इसको चला लेंगे। अब इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच हम मैदा डाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसमें डालकर 1 से 2 मिनट मिक्सी में ऐसे ही चला कर स्मूथ सा हम इसका घोल तैयार कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। अब 2 कप हमने यहाँ मैदा लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मैदा डालते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते रहेंगे, तो इससे हमारा घोल बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल अच्छा घोल बनकर हमारा तैयार होगा। और मिक्सी को हमें लगातार चलाकर ही हमें इस घोल को तैयार कर लेना है। देखिए, घोल को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है, बिल्कुल ऐसा लिक्विड ही हमारा घोल होना चाहिए और ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। अगर ठंडा नहीं है तो आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अब मैंने यहाँ एक बर्तन लिया है, उसमें घी गरम कर दिया है। अब घोल को हम बिल्कुल ऊपर से धार बनाकर इसमें डालेंगे, बिल्कुल बीच में हमने इसको धार बना के डालना है और एक स्टिक की सहायता से या चाकू की सहायता से इसमें बिल्कुल बीच में होल बना देना है। देखिए, और उसी होल में हमने अपना बैटर डालना है और बिल्कुल ऊपर से डालना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे पोरिंग कंसिस्टेंसी का हमें इसमें घोल डालते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके। एकदम से सारा घोल हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें घोल डालना है और बिल्कुल ऊपर से डालना है। अगर हम ऊपर से घोल डालेंगे तो हमारा बिल्कुल जालीदार घेवर बनकर तैयार होगा। और स्टिक की सहायता से इसको हटाते रहेंगे और इसी होल में हमें अपना बैटर डालना है, ये ऐसे करके। देखो, बिल्कुल इसी तरह से हमने सारा घोल इसमें डाल डाल के घेवर के चक्के बना देने हैं। देखिए, जब ये नीचे से लगे कि हाँ ब्राउन हो, गोल्डन ब्राउन होने लगा है, तो इसको हम पलट देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पलट दिया है, अब ऊपर से भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा, देखिए ऐसे। और इसको हम स्टिक की सहायता से उठाकर निकाल देंगे, सारे घी को हम अलग कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल अच्छे से घी निकाल कर इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे घेवर के चक्के ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, सारे घेवर के चक्के मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा इनमें कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन इसमें कलर आया है और ये बिल्कुल जालीदार घेवर बनकर तैयार हुए हैं। अब इसके लिए मैंने चाशनी बनानी है। अब यहाँ मैंने चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी ली है और 3/4 मैंने यहाँ 3/4 कप मैंने यहाँ पानी लिया है। और इसकी एक तार की हमें चाशनी बनानी है, पतली चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, एक तार की हमारी चाशनी होनी चाहिए। चाशनी में उबाल आने के बाद हमें 3 से 4 मिनट इसको लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है, जिससे इसमें एक अच्छा सा तार बन जाए।
चलिए इसको पका लेते हैं अच्छे से। देखिए चलो चेक कर लेते हैं चाशनी हमारी बनी है कि नहीं। चाशनी में बिल्कुल एक तार होना चाहिए, देखिए एक तार इसमें बन रहा है, बहुत ही अच्छा। तो अब हम गैस को बंद करके और चाशनी को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसमें हम एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ इलायची पाउडर डाला है। देखिए इस पे हम अब अपनी चाशनी एक चम्मच की सहायता से डाल लेंगे जिससे हमारा घेवर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये कड़क है लेकिन जैसे ही हम इस पे चाशनी डालेंगे तो ये पहले से अच्छे से नरम हो जाएगा। चलिए चम्मच की सहायता से हम सभी घेवर के चक्कों पर चाशनी डाल देते हैं। मैंने यहाँ चाशनी में इलायची का पाउडर डाला है, आप चाहे तो केवड़ा एसेंस या रोज़ एसेंस या फिर आप केसर के स्ट्रैंड्स भी डाल सकते हैं। उससे केसर से क्या हमारे घेवर में एक अच्छा सा कलर भी आएगा और बिल्कुल टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए मैंने चाशनी को अच्छे से घेवर के चक्कों पर डाल दिया है और एक के ऊपर एक मैंने रख दिया है जिससे पूरी चाशनी इसमें अच्छे से चली जाए। अब मैंने यहाँ रबड़ी बनाई है, करीब करीब 2 कप ये रबड़ी है और मैंने इसको घर पे ही बनाया है। आप चाहे तो मावा भी निकाल सकते हैं, वो भी इस पे डाल सकते हैं, लेकिन मुझे रबड़ी ज़्यादा पसंद है तो मैंने यहाँ रबड़ी बनाई है। मावा का भी यानी कि खोआ का भी मैं कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए इस पे हम रबड़ी अच्छे से फैला देंगे जिससे हमारा घेवर और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और टेस्टी हो जाए। अगर आपको घेवर ऐसे ही खाना है बिना चाशनी के या मतलब बाद तक आपने बहुत दिन तक आपने रखना है तो इसको बिना चाशनी के और बिना रबड़ी के आप ऐसे ही इसको फ्रिज में रख दीजिए। जब आपका खाने का मन हो तभी इस पे चाशनी डालकर या रबड़ी डालकर या मावा डालकर आप खा सकते हैं। या मैंने इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है, थोड़े मैंने काजू बादाम और पिस्ता लिए हैं उसे मैंने गार्निश कर दिया है। आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और इसे गार्निश कर सकते हैं। तो चलिए भाई जिसे घेवर नहीं मिलता है वो घर पे ही बनाइए खाइए। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको घेवर बनाना सिखाया है ऐसे ही आप घेवर बना लीजिए। और आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।